आप सरकार हैं, आप बोलिए ना कि फिजिक्स में इतने शिक्षक चाहिए, केमिस्ट्री में इतने शिक्षक चाहिए, ज्योग्राफी में इतने शिक्षक चाहिए, जियोलॉजी में इतने शिक्षक चाहिए, इसकी विज्ञप्ति निकालिए ना आप। उस विज्ञप्ति के अनुसार अगर बिहार के शिक्षक हमारे उत्तीर्ण नहीं होते हैं, बिहार के शिक्षक अगर उपलब्ध नहीं होते, बिहार में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तभी तो डोमिसाइल नीति को हम समाप्त करेंगे। ऐसे अचानक डोमिसाइल नीति को समाप्त करना ये जन विरोधी कदम है और बिहार के विरोध में ये कदम है। इस कदम का हम सख्ती से विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को और जो तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों से भी इन बात को शेयर करते रहें कि इस तरह से चलेगा नहीं, आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। और हमने जो वादा किया 10 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देने का और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का, उस दिशा में कारगर कदम उठाना होगा। शिक्षक नियुक्ति के सवाल पर जो विसंगतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं और अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, तो शुरू से ही हम उन आंदोलन के समर्थन में हैं। हम मानते हैं कि शिक्षक नियमावली को सरल बनाना चाहिए और जो शिक्षकों की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को आप सरकारीकरण का दर्जा दीजिए और फ्रेश शिक्षक की बहाली कीजिए आप। हम मांग करते हैं कि फ्रेश शिक्षक की बहाली सब्जेक्ट वाइज कीजिए ना आप, नियमावली पारदर्शी आप कीजिए ना। आप सरकार हैं, आप बोलिए ना कि फिजिक्स में इतने शिक्षक चाहिए, केमिस्ट्री में इतने शिक्षक चाहिए, ज्योग्राफी में इतने शिक्षक चाहिए, जियोलॉजी में इतने शिक्षक चाहिए और जनरल में इतने शिक्षक चाहिए, तो इसकी विज्ञप्ति निकालिए ना आप। उस विज्ञप्ति के अनुसार अगर बिहार के शिक्षक हमारे उत्तीर्ण नहीं होते हैं, बिहार के शिक्षक अगर उपलब्ध नहीं होते, बिहार में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तभी तो डोमिसाइल नीति को हम समाप्त करेंगे। ऐसे अचानक डोमिसाइल नीति को समाप्त करना ये जन विरोधी कदम है और बिहार के विरोध में ये कदम है। इस कदम का हम सख्ती से विरोध करते हैं। हमने इस सवाल को लेकर अपने पार्टी से भी शेयर किया है, हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि शिक्षक नियमावली के विरोध में आगामी 13 जुलाई को बीजेपी पैदल मार्च करेगी और आप लोग लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। आपने अभी भी कहा कि आप डोमिसाइल जो नीति है उसके विरोध में है, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, तो क्या जब बीजेपी सड़क पर उतरेगी तो आप लोग बीजेपी के साथ सड़क पर रहेंगे? देखिए, बीजेपी घड़ियाली आंसू बहारा है। बीजेपी का कोई अधिकार नहीं है शिक्षकों के सवाल पर या रोजगार के सवाल पर बोलने का। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उनके जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आज क्या हुआ उनका? बीजेपी तो एक जुमलेबाज पार्टी शामिल हो गई और देश के संसाधन को कौन जोत रहा है? केंद्र सरकार जोत रही है और हमारी सरकार का तो संसाधन सीमित है। इस सीमित संसाधन में हमारा बिहार विकास कर रहा है, विकास की गति तेज हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। शिक्षा हमारी बहुत गड़बड़ हो गई है और शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, क्वालिटी शिक्षा हमारे बच्चों को देने के लिए, हमें शिक्षा में एक पारदर्शी और अनुकूल नियमावली बनाना होगा ताकि आने वाला दिन में आप अपने भविष्यों का, छात्रों का भविष्य मजबूत कर सके और बिहार अपने पैर पर खड़ा सके, बिहार एक मजबूत शिक्षित प्रदेश बने। हमारा सवाल फिर से वही रहेगा क्योंकि आपने सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन बीजेपी ने जो किया वो अतीत था। बीजेपी अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ी होने जा रही है, आप लोग भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के साथ खड़े हैं, तो जब बीजेपी खड़ी होगी तो आप लोग भी वहाँ खड़ा रहेंगे, तो आप लोग साथ चलेंगे? बीजेपी खड़ी नहीं हो रही है, उन्होंने कहा है कि खड़ा होने का नाटक कर रही है। आज भी 1 साल है, 2024 तक आने का 1 साल है। आज भी नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांग करके दोबारा रोजगार देने का जो उसका वादा था वो पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारा आंदोलन तो पहले से है, हम बीजेपी को देखकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी तो जुमलेबाज पार्टी है, बीजेपी सामंती और पूंजीवादियों की पार्टी है। बीजेपी तो इस देश में संविधान को ख़त्म करना चाहती है, फांसीवाद को लागू करना चाहती है। सरकार में है, किस मुंह से बात करना? सरकार में है, मानसून सत्र में सदन के अंदर इस सवाल को खड़ा कीजिएगा, अपनी ही सरकार को कटघरे में लाने का काम कीजिएगा। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक देश है, हमने समर्थन दिया है इस देश में सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए, लेकिन ज़रूर
देश के अंदर जो नीतियां हैं, प्रदेश के अंदर जो नीतियां हैं, इन नीतियों में जहां खामी दिखेगी, हमने हमेशा उसका विरोध किया। सड़क से लेकर के विधानसभा तक आने वाला दिन में भी शिक्षकों के प्रति अपनी हमदर्दी और शिक्षकों के प्रति एक कारगर नीति बनाने के लिए हम जोरदार ढंग से विधानसभा में सवालों को उठाएंगे। ये काफ़ी सवाल रहेगा विधायक जी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, उस वक्त से तेजस्वी यादव हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि शिक्षकों के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के लिए काम किया जा रहा है। आप लोग लगातार शिक्षक और जो युवा हैं उसके लिए सड़क पर उतरते रहते हैं, गहराइयों से उनकी जो सब विचारधारा है उसको देखते रहते हैं, लगता है कि काम हुआ है? देखिए, इस मामले में कमजोरी रही है और इन कमजोरी को दूर करना होगा। हम महागठबंधन की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से महागठबंधन के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री को और जो तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों से भी इन बात को शेयर करते रहे कि इस तरह से चलेगा नहीं, आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। और हमने जो वादा किया 10 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देने का और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का, उस दिशा में कारगर कदम उठाना होगा और इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि ये प्रयास हमारा कामयाब होगा जी। तो निश्चित तौर पर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं और विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि शिक्षक नियमावली में लगातार संशोधन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले जो महागठबंधन सरकार में अहम भूमिका निभा रही है, सरकार में है, वो लगातार अपने ही सरकार को कटघरे में लाने का काम कर रही है। मतलब शिक्षक अभ्यर्थी के मसले पर सरकार से सवाल पूछ रही है। तो एक बार फिर से भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है, सदन के अंदर जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो उस वक्त वो सवाल पूछेंगे। और निश्चित तौर पर जब से सरकार बनी है तो उस वक्त से जो वादा किया गया है कि शिक्षकों के लिए और खासकर युवाओं के लिए काम किया जाएगा, तो उस काम में थोड़ा ढीलापन जरूर है, उसे मजबूत किया जाए और काम को सुचारू रूप से किया जाए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट विहार, पटना।